गंडा माई और सारे बच्चे बस स्टैंड पर स्कूल बस का इंतजार कर रहे हैं। यार अभी तक बस नहीं आई, इतनी देर हो गई यहाँ पर खड़े हुए। हगंडा आती होगी बस, चिंता मत कर। अरे बस आ गई, जल्दी बैठो बस में। हगंडा तो ऐसे भाग के चढ़ गई जैसे वो सबसे पहले स्कूल में पहुंच जाएगी। अरे मेरी सीट पे कोई मत बैठना, खिड़की वाली है मेरी सीट। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से स्कूल की बस में बैठ जाते हैं। अंकल आज आप कैसे लेट हो गए बताओ मुझे। आज जाम काफी था बेटा, इसलिए लेट हो गया, नहीं तो मैं जल्दी ही आ जाता। इतना बोलकर ड्राइवर बस चलाने लगता है। अंकल आप तेजी से बस चलाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है, आज स्कूल में रेस कॉम्पिटिशन है। चला तो रहा हूँ, अब क्या बस उड़ा दूँ? हाँ अंकल आज बस उड़ा ही दो, हम भी तो देखें बस कैसे उड़ती है। सभी लोग चुपचाप बैठ जाओ। मुझे तुम लोगों की बात सुनकर बहुत ही हंसी आ रही है। बस चलती रहती है और थोड़ी देर में स्कूल गेट के पास पहुंच जाती है। लो बच्चों आ गया स्कूल, अब सभी लोग बस से नीचे उतरो। अंकल उतर ही तो रहे हैं, जल्दी किस बात की है? मुझे जल्दी है, मुझे छींची आई है, जल्दी से उतरो। अंकल आप घर से छींची नहीं करके आए थे ना, नहीं आए थे ना, जो इस टाइम छींची लग गई। अरे तुम लोग बकवास ही करोगे या जल्दी से बस से उतरोगे भी? उतरो जल्दी से। सभी लोग जल्दी जल्दी बस से उतरने लगते हैं। उतरो भाई उतरो, अंकल को छींची लगी है, कहीं यहीं पे ना कर दे। हाँ गंडा तो सही कह रही है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। लो अंकल खाली हो गई बस, अब जल्दी से बस लेके भागो और छींची कर लो। बस वाले अंकल भी अजीब है, जब देखो मजाक करते हैं। चल यार चल, जल्दी जल्दी स्कूल के अंदर चल, मैडम यहीं गेट के पास खड़ी है। अरे लगता है प्रेयर खत्म हो गई। यार मुझे तो लग रहा है प्रेयर अभी हुई ही नहीं है। सभी बच्चे स्कूल ग्राउंड के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर सारी मैडम भी खड़ी हुई हैं। आज फिर बस वाला लेट हो गया, इस बस वाले को हटाना ही पड़ेगा, महीने में 10 दिन तो बच्चे को टाइम से स्कूल छोड़ता ही नहीं है। हाँ आप सही कह रही हो प्रिंसिपल मैडम, इस बस वाले का तो रोज रोज का काम ही हो गया है, इसे सही में हटा ही दो, बच्चे रोज ही लेट आते हैं। प्रेयर का टाइम भी बीत गया है, आज कंपटीशन भी था। हाँ मैडम आज कंपटीशन भी था, एक काम करो प्रेयर मत करवाओ, कंपटीशन ही शुरू करवा देती है। तो बच्चों आज कौन सा कंपटीशन करवाया जाए, सभी बच्चे बोलो कौन सा करवाया जाए। मैडम आज रेस वाला कंपटीशन करवा दो। नहीं मैडम आज ड्राइंग कंपटीशन ही करवा दो। नहीं मैडम आज कुकिंग कंपटीशन करवा दो, जो सबसे अच्छा खाना बनाएगा वो जीत जाएगा। नहीं मैडम आज डांस कंपटीशन ही करवा दो, आज तक ये वाला कंपटीशन हुआ ही नहीं है अपने स्कूल में। ऐसा करती हूँ मैं सबकी पर्ची बनवा लेती हूँ और फिर तुम लोगों में से एक आकर पर्ची चुनेगा। हाँ मैं ये भी सही है, ये सही है। मैडम आप जाकर मेरे कमरे में से पर्ची बनाकर ले आओ, वहीं पर कागज भी रखे होंगे। ठीक है मैडम मैं जा रही हूँ और जल्दी से सारी पर्ची बनाकर ले आऊंगी। मैडम पर्ची बनाने के लिए चली जाती है। प्रिंसिपल मैडम आपने पिछले महीने कहा था कि सभी बच्चों को पिकनिक पर ले जाना है, लेकिन अभी तक तो ले ही नहीं गए। क्योंकि तुम लोगों के एग्जाम आ गए है ना, इसलिए नहीं लेके गए, एग्जाम के बाद सबको पिकनिक लेकर जाएंगे। तभी मैडम कंपटीशन नेम की पर्ची बनाकर ले आती है। ये लीजिए मैडम मैं बनाकर ले आई। मधु मैडम आप पर्ची गिराओ, इन बच्चों में से एक बच्चा आकर पर्ची निकालेगा, जो पर्ची निकलेगी वही कंपटीशन होगा। ठीक है मैडम मैं पर्ची गिरा दे रही हूँ, एक बच्चा आकर पर्ची ले लेना। ये लो गिरा दी मैंने पर्ची। छुई मुई तुम आओ और जल्दी से एक पर्ची उठाओ। ठीक है मैडम मैं आ रही हूँ पर्ची उठाने। छुई मुई जल्दी से एक पर्ची उठाओ। ठीक है मैडम मैं जल्दी से एक पर्ची उठा दे रही हूँ। ये लीजिए मैडम आप एक पर्ची को पढ़ लीजिए। दो मुझे इधर। अरे इसमें तो डांस लिखा है, ये देखो। दिख रहा है ना सभी को कितने अच्छे से डांस लिखा हुआ है, देखो।
तो सबसे पहले छुई मुई डांस करेगी। मैं मोबाइल में गाना बजा रही हूँ। ठीक है छुई मुई, तुम रेडी होना डांस के लिए। हाँ मैडम मैं रेडी हूँ। ये लो मैं मोबाइल में गाना बजा रही हूँ। अब रूपाली इस गाने पे डांस करेगी। अब पायल डांस करेगी दूसरे गाने पे। पायल आ जाओ। अब हगंडा का नंबर है। हगंडा तुम आगे आ जाओ। अरे मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे डांस करना भी नहीं आता बच्चों। प्रिंसिपल मैडम प्लीज आप भी डांस करो ना प्लीज। अच्छा ठीक है करती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मोबाइल पकड़ो मैं डांस करती हूँ। हाँ हाँ मैडम यही गाना बजने दो। मैडम तो बहुत अच्छा डांस करती है, हम तो पहले जा रहे हैं। मैडम डांस करते करते अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। अरे मैं तो बेहोश हो गई। अरे मैं तो बेहोश हो गई। अरे मैं बेहोश हो गई। अरे क्या हो गया, मैं बेहोश कैसे हो गई? देखो मैम को क्या हो गया। अरे प्रिंसिपल मैम उठिए, ये आपको क्या हो गया है अचानक से? मैडम की सांस तो चल रही है, मुझे जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करना होगा। मैडम फोन मिलाती हैं। डॉक्टर साहब हैप्पी पब्लिक स्कूल की मैडम बेहोश हो गई हैं, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए, उनकी सांसें चल रही हैं, आप जल्दी से आइए। ठीक है आप परेशान मत होइए, हम जल्दी से आते हैं। ठीक है जल्दी से आ जाना, प्लीज देर मत करना, आप जल्दी से आइए। आप रुकिए मैं बड़ा वाला गेट खोल देती हूँ, आप एम्बुलेंस को अंदर ही लेकर चलिए। एम्बुलेंस से डॉक्टर उतरकर बाहर आती है। अरे ये तो स्कूल के प्रिंसिपल मैडम है, यही बेहोश हो गई है क्या? हाँ डॉक्टर साहब ये मैम बेहोश हो गई है, जल्दी से इन्हें उठाकर एम्बुलेंस में रखो। एक टीचर आती है और प्रिंसिपल मैडम को उठाकर एम्बुलेंस में रख देती है। अरे प्रिंसिपल मैडम तो बहुत हल्की हैं, ये तो ऐसे ही उठ गईं। डॉक्टर मैडम को चेक करने लगती है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, नर्स जल्दी से इंजेक्शन दो। ये लीजिए डॉक्टर साहब, मैंने इंजेक्शन को भर दिया है। डॉक्टर मैडम को इंजेक्शन लगा देती है। इंजेक्शन लगाते ही इनको होश आ जाना चाहिए। इंजेक्शन लगते ही प्रिंसिपल मैडम उठकर बैठ जाती हैं। अरे मुझे एम्बुलेंस में क्यों लेकर आ गए? अरे प्रिंसिपल मैम आप बेहोश हो गई थी, इसलिए आपको इलाज करने के लिए यहाँ पर ले आए हम लोग। अरे मुझे तो मामूली सा चक्कर आया था, वैसे भी मुझे थोड़ी देर में होश आ ही जाता, एम्बुलेंस की क्या जरूरत थी। प्रिंसिपल मैडम एम्बुलेंस से बाहर आ जाती हैं। इन डॉक्टर ने तो मुझे एक ही मिनट में सही कर दिया, अब हमारे साथ साथ इन डॉक्टर को भी नाचना पड़ेगा। क्यों बच्चों? हाँ हाँ मैडम नाचेंगी, नाचेंगी, डॉक्टर भी नाचेंगी। मैडम गाना बजाने लगती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।